नमस्कार साथियों, डॉक्टर एस के गुप्ता होम्योपैथी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है गुर्दे की पथरी, जिसको किडनी स्टोन भी कहते हैं। यूरिटर में भी स्टोन हो सकता है। समाज में एक बहुत बड़ी समस्या स्टोन को लेकर बनी हुई है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति ये कहता है कि मुझे स्टोन हो गया है। स्टोन की समस्या को होम्योपैथी के द्वारा किस तरह इसका इलाज कर सकते हैं, इसके लिए हमने ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया है। किडनी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, जो कि पूरे ब्लड को फिल्टर का काम करता है। पूरे शरीर के ब्लड को किडनी से होकर गुजरना होता है, और जो ब्लड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किडनी में रह जाती हैं। बाकी शुद्ध जो ब्लड है, प्योर ब्लड, किडनी से होकर पूरे शरीर में फिर से दौड़ जाता है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो किडनी में रह जाती हैं, और यूरिन के थ्रू, यूरिथ्रा के थ्रू ब्लैडर में ये इम्प्योरिटी पहुंचती हैं और पेशाब के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। किडनी की पथरी कई प्रकार की हो सकती है। ये यूरेट्स के रूप में हो सकती है, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट्स, किसी भी प्रकार के क्रिस्टल हो सकते हैं। किडनी शरीर में एक विशेष स्थान पर पाई जाती हैं, रिब्स के नीचे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड से एक एक किडनी लगी रहती हैं। संख्या में दो होती हैं, दोनों वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड लगी रहती हैं, जो कि यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में खुलती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन शरीर से बाहर निकाल देती हैं। अब हमारा विषय ये है कि हम होम्योपैथी के द्वारा गुर्दे की पथरी का इलाज कैसे कर सकते हैं। सामान्यतः सर्जरी लोग विकल्प इसका मान लेते हैं, लेकिन बहुत ही कम, जब बहुत ही ज़रूरी हो तो सर्जरी कराना चाहिए, अन्यथा गुर्दे की पथरी बिना सर्जरी के होम्योपैथी चिकित्सा से निकल सकती है। हमारे 20 साल के होम्योपैथिक प्रैक्टिस एक्सपीरियंस में करीब करीब 20 से 25,000 पथरियाँ मैंने निकाली हैं, और यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि बहुत ही कम क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल केसेस होते हैं जिनमें गुर्दे की पथरी में ये ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि गुर्दे की पथरी बनती क्यों है। गुर्दे की पथरी बनने के मुख्यतः कारण ये है कि सेडेंट्री लाइफ, जो लोग बैठे बैठे काम करते हैं, एक्सरसाइज या योगा नहीं करते, तो इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि नियमित योगा और एक्सरसाइज। दूसरा इसका कारण है कि पानी कम पीना। जो लोग पानी कम पीते हैं उनके बॉडी के अंदर जो बायोकेमिक सॉल्ट होते हैं, यूरेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं, सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, और जिसके कारण वो जब जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं किडनी में फिल्टर होते हैं और वो वहीं जम जाते हैं। तीसरा कारण इसका ये है कि फसलों में अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने से जो भी अनाज खाना हम लोग खाते हैं वो सब पेस्टिसाइड से युक्त होता है, और किडनी उनको फिल्टर कर देती है, लेकिन वो किडनी में फिर से जमा हो जाते हैं। पांचवा कारण ये है कि दमा, अस्थमा या स्टेरॉइड का अधिक सेवन जो करते हैं उनकी किडनी का जो वर्क फंक्शन है वो कम हो जाता है, और जिसके कारण किडनी के अंदर तरह तरह के केमिकल जम जाते हैं, और जिससे स्टोन हो जाता है। स्टोन कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने बताया है, यूरेट्स हैं, कार्बोनेट हैं, सल्फेट हैं, फॉस्फेट हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि आप सेडेंट्री लाइफ को छोड़कर थोड़ा बहुत योगा पर ध्यान दें, एक्सरसाइज करें, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं, तो ये स्टोन की समस्या को रोका जा सकता है। कुछ समय बाद ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक तीसरे या चौथे व्यक्ति को पथरी बन सकती है, यदि पानी का सेवन वो नहीं करेगा, योगा एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो उससे पथरी होना निश्चित है। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ होम्योपैथी की दवाएं जो पथरी के लिए बहुत ही रामबाण का काम करती हैं। ये हम आपको वो चार दवाएं बता रहे हैं जिसमें हमारा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि ये दवाएं पथरी
को निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो पहली दवा मैंने बताई बर्बेरिस बल्गेरिस का मदर टिंचर, इसकी 10-10 ड्रॉप आप एक गिलास पानी में डालकर सुबह और शाम पिएं। दूसरी दवा है सरसा परिल्ला का मदर टिंचर, इसकी भी 10-10 बूंद पानी में डालकर एक गिलास पानी ले सकते हैं आप, एक कप पानी भी ले सकते हैं, उसमें डालकर सुबह शाम पिएं। तीसरी दवा है कैंथेरिस 30, इस दवा को या तो आप 5-5 ड्रॉप दिन में 3 बार आधा कप पानी में डालकर पी सकते हैं, अन्यथा इनको गोलियों में बनाकर 6-6 ग्लोब्यूल 3 टाइम्स ले सकते हैं। चौथी दवा है लाइकोपोडियम 200, इस दवा को भी आप 5-5 ड्रॉप दिन में 3 टाइम्स पानी में डालकर ले सकते हैं। ये 4 दवाओं पर हमारा बहुत अच्छा अनुभव है कि ये 4 दवाएं पथरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। और भी बहुत सारी दवाएं हैं जो होम्योपैथी में सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती हैं और वो भी पथरी निकालने का काम करती हैं। अगली दवा है हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, हाइड्रेंजिया का मदर टिंचर दिन में सुबह शाम 10-10 ड्रॉप आप पानी में डालकर ले सकते हैं। अगली दवा है अर्टिका यूरिन्स का मदर टिंचर, ये दवा भी आप 10-10 ड्रॉप एक गिलास या आधा गिलास पानी में डालकर सुबह शाम आप ले सकते हैं। अगली दवा है ओसिमम कैन, जिसको तुलसी कहते हैं, उसको भी आप 5-5 ड्रॉप उसके मदर टिंचर को 5-5 ड्रॉप आधा कप पानी में डालकर पी सकते हैं, ये दवा भी पथरी निकालने में बहुत अच्छा काम करती है। अगली दवा है कैल्केरिया कार्ब 30, कैल्केरिया कार्ब जो बहुत अच्छा काम करती है पथरी निकालने में, इसको आप दिन में 3 बार 5-5 ग्लोब्यूल या 5-5 ड्रॉप 3 टाइम्स पानी में डालकर आधा कप वाटर में डालकर आप ले सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।